हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं मोनार्क रूल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को लीगल अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँच सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनार्क रूल के बारे में। देखिए, मोनार्क रूल ये होता था कि उसमें सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्तियाँ होती थी, राजा रानी के हाथ में होती थी। ऐसा माना जाता था कि उनको ईश्वर ने जन्म दिया हुआ है सिर्फ रूल एंड रूल करने के लिए, यानी कि शासन करने के लिए दिया हुआ होता है, और वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते थे। अकाउंटेबल इसलिए नहीं होते थे, वो मानते थे कि वो सिर्फ अकाउंटेबल गॉड के प्रति हैं, क्योंकि उनको गॉड ने बनाया हुआ है, ईश्वर ने बनाया हुआ है शासन करने के लिए, और ईश्वर को किसी ने देखा नहीं हुआ होता है। इस वजह से वो राजा रानी क्या करते थे, अपने हिसाब से नियम कानूनों को बनाते थे, अपने हिसाब से जनता के लिए उत्तरदायी होते थे। लेकिन जब किसी ने भगवान को देखा नहीं हुआ है तो वो उत्तरदायित्व जो है अपने हिसाब से बनाएगा, तो अगर अपने हिसाब से सब वो काम करने लगेगा, किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगा, तो एनार्की जाहिर सी बात फैल जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा, राजा निरंकुश हो जाएगा। तो मोनार्की रूल बेसिकली निरंकुशता की ओर अग्रसर करने वाली एक प्रथा थी, जिसमें राजा रानी के हाथ में सारी शक्तियां होती थी, पब्लिक के हाथ कोई पावर नहीं थी। पब्लिक क्या होती थी, राजा रानी के मर्सी पर ही डिपेंड करती थी, उनकी दया दृष्टि पर ही उसका जीवन चलता था। राजा रानी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, जैसे चाहेंगे, वैसे काम चलने लगेगा। लेकिन इन सब से निजात पाने के लिए कॉन्सेप्ट आया आगे चल के सेपरेशन ऑफ पावर, कि राजा रानी के पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को भी बांटा जाए, उसका पृथक्करण किया जाए, सारी शक्तियां उनमें ही निहित ना रहे, कि जनता जो है उनके मर्सी पर ही रहे, उनकी दया दृष्टि पर ही रहे, उसके कोई अधिकार ना हो, स्वतंत्र ना हो, कुछ भी ऐसा ना कर सके। तो आगे चल के एक कॉन्सेप्ट आया, सेपरेशन ऑफ पावर आया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर आखिरकार होता क्या है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि सिंपल सी बात है, मोनार्क रूल यही होता था कि सारी पावर राजा रानी के हाथ में होती थी, रूल्स एंड रेगुलेशन करने की शक्ति उनके पास होती थी, पब्लिक के हाथ में कोई राइट नहीं होते थे। आशा है आप लोगों को मोनार्क रूल समझ में आया है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे थोड़ा सा जिन लोगों को वाकई में इन सब चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत है उन तक ये पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।